हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज हम लोग यहाँ पर जीएनएम नर्सिंग का जो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2018 का है। मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल MPNRC जो है, मध्य प्रदेश बोर्ड से ये जो है क्वेश्चन पेपर लिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसे आपको 3 आवर्स में अटेम्प्ट करना रहता है। हम पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। आप पैटर्न देख लीजिए, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उन्हें आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा हुआ है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग Any10। आपको यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है जिनका आपको फुल फॉर्म लिखना है। 10 मार्क्स में ये पूछा गया है। यहाँ पर 12 आपको दिए गए हैं, 10 आपको अटेम्प्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्मिनोलॉजी जो पूछी गई है, AWD, DPHN, CDR, HLD, IPPI, NHP, CHO, EMCP, FPAI, ICTC, MBD और PCM। आप लोगों को इन सब के जो है फुल फॉर्म लिखने रहेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे जो पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग दी गई है, 10 मार्क्स में पूछी गई है। यहाँ पर आपको 10 जो है मैच द कॉलम दिया गया है, जिसे आपको अटेंड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। आपको इनमें डिफरेंस बताना है, 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स की रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहने वाला है। फर्स्ट देख लीजिए, पूछा है इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बीच में डिफरेंस। सेकेंड पूछा हुआ है शैलो वेल एंड डीप वेल के बीच में डिफरेंस। थर्ड पे पूछा हुआ है ब्लैक बोर्ड एंड बुलेटिन बोर्ड के बीच में डिफरेंस बताना है। फोर्थ में पूछा हुआ है फूड कंटेमिनेशन एंड एडल्ट्रेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। इनमें से किसी भी 2 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना था। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पर डिफाइन द फॉलोइंग दिया गया है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन। नंबर 4 में दिया गया है डिफाइन द फॉलोइंग, 10 मार्क्स में आपको अटेम्प्ट करना है। एपिडेमिक हेल्थ, कम्युनिकेशन स्किल, बैलेंस डाइट, एडल्ट्रेशन, क्यूम्यूलेटिव रिकॉर्ड, कम्युनिटी हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और पास्चुराइजेशन। ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है डिफाइन हेल्थ एजुकेशन, डिस्कस द स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन। 10 मार्क्स में आपको हेल्थ एजुकेशन डिफाइन करना है और हेल्थ एजुकेशन के क्या क्या स्कोप्स हैं वो बताने। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। 10 मार्क्स में आपको कम्युनिकेशन और उसके जो भी टाइप्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। हिंदी में भी आपको यहाँ पर दिया रहेगा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैनिटरी लैटरिंस एंड डिस्कस द RCA लैटरिंस इन डिटेल। इस क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है 15 मार्क्स में। और एक क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है व्हाट इज साउंड पॉल्यूशन, स्टेट द सोर्सेज ऑफ साउंड पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। यदि आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं, और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। और यदि आप और क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोगों को और भी चैनल पर GNM नर्सिंग के और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।